एक और सवाल आपके सामने, अब थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि थोड़ा यूज्ड टू हो गए हैं हम सवाल से, तो थोड़ा स्पीड में लेके चलते हैं फटाफट से। कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल, सब पूछ लिया। रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखा है, दैट इज ईओ क्यू। रीऑर्डर टाइम दे रखा है, इसके बाद मिनिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम सॉरी नॉर्मल। नॉर्मल पता है किसको बोलते हैं? नॉर्मल हम नॉर्मली एवरेज को ही बोलते हैं, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन अब समस्या ये है, यहां पे देखा जाए तो नॉर्मल कुछ और है और एवरेज कुछ और है। इस सवाल में अगर आप ध्यान से देखो तो एवरेज क्या आएगा? एवरेज यूज की बात करें तो एवरेज यूज तो आप निकालोगे सर मैक्सिमम और ये मिनिमम, यानी सर 400 और प्लस 250। समझने वाली बात है, बच्चे गलती कर देते हैं इसमें। और दो से डिवाइड करोगे तो दैट इज 325, ये है एवरेज। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल तो 300 है, नॉर्मल 300 है। हमने पहले क्या देखा था कि नॉर्मल और एवरेज अक्सर एक ही होता है, लेकिन अक्सर वो हर बार नहीं होता। तो अब हम क्या लें फॉर्मूले के अंदर, जो हमारा फॉर्मूला मिनिमम वाले में, अभी मैं करके दिखाऊंगा, चलिए मैं करता ही हूं। पहले क्या निकाल लेते हैं? रीऑर्डर लेवल। पॉइंट नंबर वन, रीऑर्डर लेवल आरओएल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम में, क्योंकि मैक्सिमम पता है 400 और मैक्सिमम 6, तो ये तो फटाफट निकल गया 2400। दूसरा कहता है मिनिमम, समस्या यहां है मिनिमम लेवल का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है सर? आर ओ एल माइनस में एवरेज और कई बार नॉर्मल। क्वेश्चन ये रेज होता है कि सर अब हम एवरेज लें या नॉर्मल लें, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन जब आपके पास आए तो आप प्रायोरिटी देंगे नॉर्मल को, एवरेज को प्रायोरिटी नहीं देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे? तो मैं यहां लिखने वाला हूं 300, और सर इनटू में अब नॉर्मल तो है नहीं, तो अब टाइम आप जो है ना, टाइम जो आप है वो क्या लिख लें यहां? तो फॉर्मूला है ना, यहां यहां नॉर्मल इसके लिए बनेगा नॉर्मल इनटू में एवरेज बनेगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा इसके लिए, क्योंकि आर ओ एल सवाल में गीवन नहीं है। निकाला है माइनस नॉर्मल कितना है 300, एवरेज टाइम निकालेंगे तो 5, तो कितने आ जाएंगे? 900, ये आ गया मिनिमम लेवल। यानी जब आपको एवरेज निकालने का आपके पास सारी इंफॉर्मेशन गिवन और नॉर्मल भी दे दो, तो एवरेज को इग्नोर करिए सर, नॉर्मल मेनली है हमारा। अब ईओ क्यू भी जब निकालेंगे, मान लेते हैं ईओ क्यू निकालेंगे, अभी जरूरत पड़ेगी हमें ईओ क्यू की, वैसे दे रखा है ईओ क्यू इन्होंने। अगर ईओ क्यू भी ऐसा समस्या आ जाए, एक बोले इतना वीकली, एक बोले इतना वीकली नॉर्मल, तो आप वहां पे भी प्रायोरिटी देंगे नॉर्मल को, ठीक है ना, यानी इसको प्रायोरिटी देना है। चलिए सर पॉइंट नंबर थ्री, थ्री मैक्सिमम लेवल। क्या कहता है मैक्सिमम लेवल? कहता है इज इक्वल टू आर ओ एल प्लस में ई ओ क्यू, ई ओ क्यू और माइनस में मिनिमम इनटू में मिनिमम। सर मिनिमम क्या? यूज। मिनिमम क्या? टाइम। आर ओ एल 2400 और प्लस 1500 माइनस 250 इंटू में 4, यानी 1000, तो माइनस प्लस करके 2900 आ गया। लास्ट वन एवरेज निकालना है, फोर्थ एवरेज। तो यहां पे एवरेज हालांकि दोनों तरीके से निकल सकता है, दोनों फॉर्मूले से, तो हम किससे करें? मिनिमम मैक्सिमम डिवाइड टू भी कर सकते हैं और ईओ क्यू वाला भी लग सकता है, मैं दोनों से कर देता हूं। हालांकि मैं एक से करता हूं, एक आप घर पे करेंगे। तो क्या आता है सर? एक मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय टू। सर मिनिमम लेवल क्या है? कितने हैं?
900 मैक्सिमम लेवल 2900 और डिवाइडेड बाय 2 तो 1900 आ गए। एक और इसका आंसर हो सकता है जो कि आप निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे वाले का, चलो दूसरे वाले का आंसर बता दिया मुझे किसी ने, तो दूसरे वाले का आंसर मैं लिख देता हूं 1650 दैट इज। चलिए सर देखो फॉर्मूला गलत। अब बच्चों का एक सबसे बड़ा समस्या रहता है कि सर हमें मार्क्स कैसे दिया जाता है। तो मैं पहली बात बता दूं, मार्क्स कभी भी आप लिख के बहुत कुछ आते हो तो आप सोचते हो मैंने ये लाइन में गलती कर दी। मार्क्स जो दिए जाते हैं ना वो कभी भी, अगर हम एक एक बच्चे का, सच्चाई है, एक एक बच्चे का एक एक वर्ड चेक करने लगे ना तो आपका रिजल्ट 2 साल में भी ना आए। इतने बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं फटाफट ओवर थ्रू। जैसे ये पूरा क्वेश्चन है, अब मैं चेक करने बैठूं, मुझे किसी ने पेपर दिया सर चेक करने का, और यही चेक करने का होता है, ठीक है मैक्सिमम 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 ठीक है निकाल लिया, ये भी ठीक है निकाल लिया, ये भी ठीक है, 4, 6 नंबर का 6 नंबर खत्म, आगे बढ़ जाऊंगा मैं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को चेक करते करते मेरा मन उस टाइम पे कुछ और बात कर रहा है और फिर मैंने देखा यार ये मैक्सिमम इसने पूरा नहीं लिखा फॉर्मूला, एक गलती मेरे को मिल गया, मैं आगे डिटेल में जाऊंगा, ये भी आर ओ एल लिख रहा है तो हटाओ 6 की जगह पे 2 नंबर 2 खत्म करो। तो होता क्या है, अगर जिस क्वेश्चन में एक भी मिस्टेक मिल जाता है हमें, दिख जाता है, मतलब अपरेंटली विजुलाइज हो रहा है हमें, फिर हम डिटेलिंग में चले जाते हैं। इतनी भी डिटेलिंग में नहीं कि मैं हर चीज चेक करूंगा, लेकिन थोड़ा उसको देखने, क्योंकि जो टीचर होते हैं वो बहुत एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, वो सिर्फ उसको देख के पता चल जाता है कहाँ गलत है, बात खत्म। वो पूरा पढ़ते नहीं है कभी भी आपका, बस देख के पता कर जाते हैं, उन्हें पता होता है कि बच्चा यहाँ गलती करेगा, वही चीजें ढूंढते हैं उसके अंदर, और अगर वो सही है टिक मार के आगे चले जाते हैं। तो आप फॉर्मूला अगर गलत लिख देते हैं, एग्जामिनर का नजर चला गया तो नंबर डेफिनेटली कटेगा, कितने कटेंगे इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, वो एक्सपीरियंस और वो टीचर के मूड पे टोटली। और अगर नजर नहीं गया, आपने जो गलत फॉर्मूला लिखा है और उसने सिर्फ आंसर आंसर को देखा और फटाफट आगे करके कॉपी निकल गया, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो सीधा साधा जवाब है सर, पेपर कैसे चेक होता है, कभी भी आपका पेपर बिल्कुल डिटेल चेकिंग हो ही नहीं सकता, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वो तवज्जो किस पे जा रहे हैं, धीरे धीरे एमसीक्यू बेस पे जा रहे हैं, ज्यादातर एमसीक्यू बेस पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां पे चेकिंग की एक्यूरेसी 100% हो जाती है, क्योंकि उसे मशीन चेक करता है, ह्यूमन बीइंग चेक नहीं करता आपके एमसीक्यू जो ओएमआर शीट में मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो हो रहा है ना इनके पास, सबसे बिगेस्ट चैलेंज ये आ रहा है एमसीक्यू में कि बच्चे आपस में पूछ लेते हैं तो वहां पेपर डिस्कशन करके इजिली खत्म किया जा रहा है, तो एक वो चैलेंज है। इसलिए आपका जो पैटर्न बन रहा है ना, थोड़े एमसीक्यू दे रहे हैं और थोड़े दे रहे हैं हम क्या सब्जेक्ट, और एमसीक्यू में भी वैरायटी ऑफ एमसीक्यू आ गया जो कि आने वाले टाइम में जो नए सेशन के बच्चे आ रहे हैं उनको दिखेगा। केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू, असर्शन और रीजन बेस्ड एमसीक्यू जो 12वीं क्लास में आपके पास मेरे ख्याल आपके टाइम पे था या नहीं था, उससे थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आने लगेगा, और सिर्फ इस एग्जाम में नहीं, इंडिया के सारे एग्जाम में धीरे धीरे इंप्लीमेंट हो जाएगा ये। तो ये था सिंपल सी बात सर, नंबर अगर हमारे कैसे मिलते हैं नहीं मिलते वो सीधी सी बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो मैं कहूंगा हमेशा फुल फॉर्मूला लिखो, शॉर्ट फॉर्मूला अगर कोई बच्चा बोलता है मैं लिख दूं तो क्या होगा, वो आपका रिस्क है, रिवॉर्ड भी आपका ही है, सीधी बात। मैं हमेशा फुल के लिए बोलूंगा क्योंकि क्वेश्चन पेपर में हमेशा पूरा शब्द लिखा आएगा। क्या ये क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ, क्या उसने लिखा आर ओ एल? नहीं लिखा सर। जब एग्जामिनर आपको पूरा पॉइंट दे रहा है लिख के, तो आप उत्तर भी पूरे पॉइंट में दीजिए। सर 1650 बिल्कुल ये आ चुका है।